अभी एक शेर पढ़ी थी कल्पना जी ने, तो कहना है कि लहर कितनी मछली है किनारों से पूछो, लहर कितनी मछली है किनारों से पूछो, रात कितनी ढल गई है सितारों से पूछो, दुल्हन की बात बराती क्या जाने वो कितना सिसकी है कहारों से पूछो। ये है जिद्दे। एक कट पीस आई है, कौन सी, कि मुझको मेरी माँ क्या बोल रहे, आपकी बात आई, क्या पाना क्या खोना, ना जगना ना सोना, ये है ना तो कोई व्यापार, और बढ़िया बात लाइए, प्यार अंधा नहीं होता है, सुनिएगा, रोता वही जो प्यार है देगा, ये प्यार कभी बढ़ा कर जा देगा, एक तरफ है प्यार सजा देगा, और दोनों तरफ हो प्यार मजा देगा, हे
ये तुरंत प्रयास है अपनी ओर से। ये हमारे श्री प्रवेश शुक्ला जी ज्ञानपुर की ओर से 51 पत्र मुद्राएं प्राप्त हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। ये जवाब होता है क्या? एक और शेर पड़ी थी, कौन कौन सी? कि एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को भी। भैया सूटी पर जाओ, तुमको मालूम नहीं था इस वक्त वाली चल रही है। एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को भी, वो इतने एहतियात से दिल में उतर गए। और आते हैं ऐसे मौके भी राहे हयात में कि दिल में उतरने वाले नजर से उतर गए। एक सौ एक पत्र मुद्राएं हमारे श्री दुर्गे शरण शुक्ल उनकी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप, और ये 11 पत्र मुद्राएं हमारे मित्री भैया राजेश गौतम। ये है राजेश गौतम, आशीर्वाद की कामना। आइए, क्योंकि समय में हम दोनों लोग बन चुके हैं, तो आइए। इनका गीत आया था, कौन सा? बहुत बढ़िया गीत है, आप सुनिए। कि दिल में बेचैनी आंखों में छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, ऐसा ही होता है जब प्यार होता है। दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है तो किसी से प्यार होता है। कि हर पिता पुत्री का होती, ऐसे ही लाइनें लाई है, क्या बात है। और जवाब लिख रहा था, आपने बेटी की बात कही तो मैं बेटे से जवाब लिख रहा था, बेटे की भी बात बता दी। क्या बात है कल्पना जी, लेकिन सुनिएगा प्रयास। कन्या हुई होती है आकाशवाणी, गई है तो सुन के मंदोदरी व्याकुल ना होती, उसे त्यागने को उत्सुक होता, उसे त्यागने को उत्सुक होती, उसे त्यागने को उत्सुक होती। मंदोदरी ने वो जो ऋषियों का खून था, और एक कहानी और मिलती है कि एक कन्या रावण को मिलती है कमल फूल पे लेटी हुई, और वो कन्या जब रावण ले जाता है मंदोदरी के देवता, तो मंदोदरी कहती है कुल का नाश कर रही थी, और उसी को घरे में रख करके
वही गाल दिया गया ये है जिद्दी सुनिएगा ये है जिद्दी उसे त्यागने को उत्सुक होती ये उसी घड़े में तब कन्या को घर लंका से तब वो चली निकल जनकपुरी वो है आकर चली घड़े से तब वो निकल कि यदि वो हल न चलाते तो चैन जनक ना पाते मुश्किल मंदोदरी की आसान होती है ये कि मुश्किल मंदोदरी की तब आसान होती है उधर पुत्री शुक्ला ज्ञान गुरु उनकी भैया की तरफ से 101 पद मुद्राएं प्राप्त हैं 11 पद मुद्राएं भैया हमारे राजेश गौतम धन्यवाद है कल्पना जी सुनिए मुश्किल मंदोदरी की तब आसान होती है पुत्री जनक की शान होती है जनक की शान होती है दूसरा अंतर सुनिए क्योंकि गीत का जवाब प्रसाद कट में अंतिम बात सुनिए कि एक समय ऐसा है आया बहुत अच्छे योग अच्छे मतदार है बहुत अच्छे शुरू हो गया उसका बिना उसी दिन से सीता को दूर ठहराया ये वेदवती सीता बन आई रावण के बदले हित आई रावण की आखिरी है आई रावण की एक दिन लंका नगरी शमशान होती है और वो कन्या उधर सीता किसी की शान होती है उधर सीता
छोटा सा प्रयास अपनी ओर से, क्योंकि अब समय आइए गीत अपनी ओर से एक धुन आई और सी कल्पना जी एक धुन बजी और सी कि दुनिया दीवानी बाड़ू चर्चा सगरो जिला में क्या बात है तोरे चर्चा सगरो जिला चर्चा सगरो हमारे भैया श्री परवेश शुक्ला ज्ञानपुर उनकी ओर से क्या उन पद मुद्राएं प्राप्त हैं क्या आशीर्वाद की कामना चाहूंगा सुनिए तो रे चर्चा सगरो जिला में जब ये बात सुनी तो सुनिएगा कोई खास बात हल्का सादा सा गीत सादा सा एक धनुर्धर है एक है डमरूधर एक है हर हर एक है हरी हर एक वानर संग एक भूतेश्वर क्या बात दोनों जगदीश्वर है लीलाधर तो कर विष्णु लीला क्या बात कर विष्णु लीला राम लीला कर विष्णु लीला राम लीला लोग कहते हैं
का भगवान राम का जन्म हुआ तो एक महीने का दिन हुआ, एक महीने का दिन त्रेता की बात है। सुरेंद्र भैया द्वापर युग में हुई 6 महीने की रात। ये क्या बात है गुरु, बहुत सही। एक हुए धूप में और एक बरसात में। ये तो करिए राम लीला, करिए राम लीला, राम लीला अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। ये एक पद मुद्राएं जगन्नाथ मिस्त्री कछोना उनकी तरफ से प्राप्त है, भैया को आदरणीय नमस्कार है। अंतिम पद सुनिएगा। द्वापर युग के लक्ष्मण ही बने बलराम है। द्वापर युग में लक्ष्मण, द्वापर त्रेता युग के लक्ष्मण बने बलराम है। श्री राम बन गए तब आके घनश्याम है। रहे तीन जन्म रहे तीनों जन्म रंग नीला में। ऐसी फुफकार मारी थी तो भगवान विष्णु, फिर राम और फिर श्याम, तीनों ही नीले रंग के रहे। ऐसी फुफकार, क्या फुफकार थी। रहे तीनों जन्म रंग नीला में, ये छोटे बीस का सिलसिला जारी हो चुका है। सुनिएगा एक कटबीस छोटी सी। सामने पुण्य है पर पाप समझ बैठे हैं। सामने पुण्य है पर पाप समझ बैठे हैं। हम तो वरदान को अभिशाप समझ बैठे। पहले माँ बाप को दौलत समझते थे लोग, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। ये है जिद्दी। एक धुन बजी कि लंबी दीवार में चुनवा दो। Oh, yeah.
होते हैं दल जब झुकते हैं ये तो प्यार करने वाले कभी डरते नहीं जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं दो पंक्तियां भगवान राम और लक्ष्मण सबरी के वहां पधारे तो सुनिएगा तुरंदर हुआ कि राम बाग में आए लक्ष्मण बाग में बैठे राम बाग में आए बहुत दम लगा के गाने अब दोनों लोग आए लक्ष्मण बाग कानपुर और राम बाग में आए राम बाग लक्ष्मण बाग में बैठे राम बाग में आए फूल खिले लाल बाग में वो नजर बाग में आए समझने वाली बात है क्या आलम बाग में आए क्या आलम बाग में आए तो ऐसे जवाहर बाग में मिल पाते नहीं भगवान राम ने देखा कि सुंदर फूल है लेकिन सबरी ने बताया कि प्रभु ऐसे जवाहर बाग में मिल जाते नहीं ये फूल बाग में मुरझाते ऐसे जवाहर बाग में मिल पाते नहीं बाग में जयकारा माई शेरा वाली साचे दरबार की जय समय हो गया है समय हो गया है और आ रही है आपके समक्ष ये हमारे एक सौ पद मुद्राएं श्री दुर्गेश्वर शुक्ला हमारे भैया ज्ञानपुर की ओर से एक सौ पद मुद्राएं आखिर